सुप्रभात नंदन जी, बधाइयो आप पास किए ना, बधाइयो आप लोग, कौन लोग, कितने लोग पास किए हो एग्जाम? चलिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बढ़िया। और आप पीटी? अच्छा, क्या बोल रहे हैं, बहुत बहुत ज़्यादा लोग पास किए हैं। हम तो कट ऑफ देखे, हम जान गए थे, हमको मतलब हम कट ऑफ देखे उसके बाद हम जान गए नंदन जी और बाकी लोग भी, जोसेफ जी भी पास किए हैं ना। हाँ, अब देखिए उन लोग के लिए अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा है, मतलब सिर्फ यहीं पर ही नहीं, हम तो जब JSSC का वो लोग क्लास करते थे उस समय बोलते थे कि आप लोग UPSC के लिए ट्राई कीजिए। देखिए बात है, मतलब हम फ्रैंकली बोल रहे हैं, बिल्कुल इधर उधर का बात नहीं। तो फ्रैंकली बोल रहे हैं कि आपको फ़ायदा मिलता है, फ़ायदा मिलता है, आपके पास रिसोर्सेज है, आपके पास काबिलियत भी है, हर चीज़ है आपके पास, तो फिर आपको तो IAS IPS से कुछ नीचे का सोचना ही नहीं चाहिए। हाँ बस, हाँ चलिए, आप लोग भी तो, क्या आप लोग का प्रेफरेंस रहेगा अब तो, जैसे जो सर्विस अब भरिएगा ना फॉर्म मेंस के लिए, तो हमको लगता है सर्विस के लिए उसे प्रेफरेंस मांगेगा या फिर अभी नहीं मांगेगा, बाद में मांगेगा, जब भी मांगे तो। बट क्या DSP यहाँ पे आप लोग, जब लड़की में कौन DSP बनना चाहता है, लड़की में कोई, आप DSP बनिएगा। देखिए प्रेफरेंस देना होता है, तो जैसे आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड उस तरह से प्रेफरेंस देना होता है, आप जो दीजिएगा उसी हिसाब से आपको मिलेगा। तो पहला प्रेफरेंस के अभी भरवाएगा या तो फिर मेंस के बाद भरवाएगा, आप जब भी भरवाए लेकिन भरवाएगा। हाँ तो क्या पहला प्रेफरेंस क्या रहेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव आपका, आप भी पास किए ना। चलिए आप DSP बन सकती हैं, लड़की DSP आप समझ रही हैं, पूरा रुतबा रहे, मतलब क्या क्या है, अच्छा हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। हाँ एक हम, मतलब हम तो बहुत बहुत सारी लड़की DSP जो बनी है हम जानते हैं, मतलब सीनियर हैं सब बहुत। एक के बारे में हम जानते हैं उनका स्टोरी कि कोई MP था, लोहरदगा का MP होगा या फिर कहीं का MP होगा, उसका जो बेटा था वो, मतलब MP मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा का सांसद, तो उसका बेटा गुंडागर्दी करता था, वो लड़की DSP उसको बोरा में बंधवाई, उल्टा लटकवाई और इतना MP का बेटा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का बेटा, अनिल सर की स्टूडेंट थी वो तो हम जब जन्म लिए थे उस समय आपको बनी होंगी, मतलब BPSC 92, 93, 94 इस समय पास की होंगी वो, तो आप समझिए लड़की हैं। हाँ SP बन गई होंगी। हाँ तो अगर गुंडागर्दी करना है तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हाँ सिंधु घाटी सभ्यता में हाँ उसमें जो चार प्रजाति पाई जाती है, रेसेस पाए जाते हैं, उसका नाम हम लोग लिखे थे और उनको निर्माता कहा जाता है। और DSP बनने का दूसरा और एक फायदा है, आप DSP बनिएगा आज से 10 साल बाद SP रहिएगा, IPS रहिएगा, आप डिप्टी कलेक्टर बनिएगा, आप लोग मोस्ट प्रोबेबली रिटायरमेंट के समय IAS बनिएगा, मोस्ट प्रोबेबली मतलब 50, हाँ। और आप अगर आप DSP बनिएगा तो आप मान लीजिए अभी आपको 25 साल उम्र हो रहा है, तो आप 35 के एज पहुँचते पहुँचते IPS,
उसके बाद आप समझ रही हैं, आप एडीजीपी, डीजीपी नहीं पता लेकिन एडीजीपी तक तो पहुंच जाएगा। एडीजीपी सेकंड हाईएस्ट जो पोस्ट है, रैंक है पुलिस का, सबसे ऊपर डीजीपी होता है स्टेट में। तो प्रमोशन अच्छा है, वो तो आपको चेक करना पड़ेगा, हमको पता नहीं। लड़कों का 5-6 होता है शायद, लड़कों के लिए। अब लड़की के लिए भी वही होता है या फिर वो तो नहीं होता होगा, नहीं तो इंडिया में लड़की बन ही नहीं पाएगी। 5-6 तो बहुत रेयरली लड़की होती है। हाइट का होता है डीएसपी के लिए, लेकिन आप लोग के लिए कुछ रिलैक्सेशन होगा, कुछ कम होगा, 5'3" 5'4" कुछ होगा। कन्वर्ट कर लिए सेंटीमीटर में, अरे फीट इंच, हाँ वो कन्वर्ट करके देख लीजिएगा उसको। हाँ वो तो पुलिस में आइएगा तो आपका पूरा फिजिकल सब कुछ चेक करता है, ऊपर से लेके नीचे तक। नहीं दौड़ाएगा नहीं, आप सिपाही नहीं बनने जा रही है कि आपको दौड़ाएगा। मेडिकल टेस्ट होता है, मेडिकल टेस्ट। नॉर्मल मतलब लंबा चौड़ा होता है, हर चीज, ब्लड लेगा, यूरिन लेगा, आपको आई, ईयर और ये सब चीज चेक करता है। फ्लैट फुट हमको याद नहीं है, फ्लैट फुट देखा था कि नहीं, देखता होगा शायद, याद नहीं है हमको। लंबा चौड़ा प्रोसेस था, मतलब 3-4-5 घंटा हम लोग को लगा था। अब 4-5 घंटा में पैर वैर देखा था कि नहीं, हाइट वाइट तो देखा था। सब एक सबसे एम्बैरेसिंग लड़कों के लिए होता है। तो हम लकी थे, हमको वो नहीं करवाना पड़ा था क्योंकि वो डॉक्टर से बोल दिए थे कि भैया वो मत करवाओ। आप लोग समझ रहे हैं क्या है? आप तो समझ गए। क्या क्या बोलते हैं, क्या चेक करता है, हर्निया ये सब का चेक करता है ना। तो सब लड़के बेचारे 3 इडियट बन करके। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आठवां जो मेन फीचर था, मुख्य विशेषता थी सिंधु घाटी सभ्यता की, हमको लगता है प्रतिमा जी भी तो पास की होंगी। प्रतिमा जी एक जो पीछे में बैठती हैं, वेट्स एंड मेजर्स, मेजर्स को क्या बोलेंगे, वेट्स एंड मेजर्स। वेट मतलब वजन, हाँ मापन, वजन तथा मापन। सिंधु घाटी सभ्यता में जो बटखरा और ये सब जो इस्तेमाल होता था वो भी स्टैंडर्डाइज था। स्टैंडर्डाइज था मतलब हर तरफ एक ही प्रकार का आपको बटखरा मिलता था, ठीक है। ये क्या था, ये स्टैंडर्डाइज था। मतलब हर क्षेत्र में, पूरे पूरे सभ्यता में, सभ्यता में एक समान पाया जाता था। ठीक है, और इसका दूसरा फीचर क्या था कि हम लोग इसमें 16 का मल्टीपल देखते थे। मतलब जो जैसे आज के समय, हम लोग जब छोटे थे उस समय आपको याद होगा कि आपको 4 आना 8 आना 16, 1 रुपया 16 आना हुआ कि 12 आना हुआ, 50 पैसा 8 आना होता था ना, 50 पैसा 8 आना, 25 पैसा 4 आना। तो 4, 8,
बारह सोलह और एक एक रुपये में कितना, 16 आना, तो रुपये जो है 16 का मल्टीपल था, है आज के समय में भी। सिमिलरली मतलब वजन जो है, या फिर अगर हम लोग जो यहाँ पर अगर देखते हैं जो तराजू पे जो रखता है, तो अगर हम लोग सोनार वोनार का बात अगर नहीं करें, जो नॉर्मल जो तराजू जो दुकान पे होता है वहाँ पर क्या होता है आपको, जो यूनिट होता है बटखरा का, 50 ग्राम, अगर भूंजा ऊंजा वाले के पास चले जाइएगा तो 50 ग्राम, 100 ग्राम, 250 ग्राम, फिर 500 ग्राम, वो तो 10 ग्राम तो बहुत ही छोटा हो गया, कोई भूंजा वाला रख सकता है, लेकिन इस तरह से आपको होता है ना एक पर्टिकुलर नंबर का मल्टीपल, वैसे ही यहाँ पर आपको जो वेट्स एंड मेजर्स का सिस्टम था वो एक 16 का मल्टीपल था। कई कई केसेस केसेस मामले बोल सकते हैं ना, कई मामलों में वजन की प्रणाली में सोलह का मल्टीपल, मल्टीपल को क्या बोल सकते हैं, गुणांक, गुणज, सोलह का गुणज, ये वाला अन्ना होगा कि वो वाला दूसरा, ये ना गुणज, 16 का गुणज का प्रयोग होता था। आपको हम डिप्टी कलेक्टर की तरह देख रहे हैं, इस बार वैकेंसी बहुत बढ़िया है, इस बार जैसा वैकेंसी है आप लोग के लिए भी, क्या किसी के लिए भी जो लोग पास किए हैं, इस बार जितना अच्छा वैकेंसी है उतना दोबारा कभी नहीं आने वाला है। 35 DSP है ना, DYSP का सीट 35 है शायद ओवरऑल, क्या बोल रहे हैं कितना एस, अरे हम टोटल का बात कर रहे हैं, टोटल में आप बात कीजिए ना, जो टोटल जो आ रहा है 35, और आप लोग को भी बधाई हो। और इसका डिप्टी कलेक्टर का सीट कितना है, 207 के आसपास है हमको जहां तक याद है, 207, मतलब 242 सीट डीएसपी डिप्टी कलेक्टर, 242 सीट डीएसपी डिप्टी कलेक्टर, 242 सीट तो टोटल आएगा कि नहीं अगली बार ये नहीं पता है, और आ भी जाता है तो इतना सीट कभी नहीं होता है, डीएसपी डिप्टी कलेक्टर का सारा सीट मिला करके आज तक कभी ज्यादा रहा भी होगा तो 120-130 रहा होगा, 250 सीट के आसपास डीएसपी डिप्टी कलेक्टर का है, तो इससे अच्छा तो देखिए वहां पर एक आपको एक डिप्टी कलेक्टर और वो भी मोस्ट प्रोबेबली डिप्टी कलेक्टर हैं, दो डिप्टी कलेक्टर, ये तीनों डिप्टी कलेक्टर बैठे हुए हैं, तीन डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी तो आप लोग नहीं भरिएगा ना पहला प्रेफरेंस, हाँ नंदन जी आप भरिएगा पहला प्रेफरेंस डीएसपी, अरे पता नहीं कौन पता करेगा, अरे उसे पता क्या करना है, आपको कैसा लगता है पुलिस देख करके, पुलिस का नौकरी के बारे में थोड़ा मोड़ा जानते ही होंगे, हाँ वर्दी तो मिलता ही है। मेरे अनिल सर के साला हैं, वो अपने साला वो हैं सब रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार मतलब जो जमीन का रजिस्ट्री करता है ना, तो वो एक दिन घर वो थे उनके घर पे, तो हम थे वहाँ पर, तो बोलते हैं कि मेरे को बोलते हैं कि यान जानते हो, अगेन सॉरी मेरे घर का नाम यान है, तो
या वो कि पुलिस से अच्छा चोर और कोई नहीं हो सकता है, पुलिस से ज़्यादा बढ़िया चोर इंडिया में कोई नहीं हो सकता है। चोर चोर हो या गुंडा हो या किसी भी तरीके की चीज़ देख लीजिए, तो पुलिस को बहुत सारा प्रिविलेज तो है। हाँ, लेकिन ये भी है कि पुलिस के वो डिपार्टमेंट है बोलते हैं कि पुलिस मतलब आप जिसके साथ में काम कर रहे हो ना, वो आपके पीठ में छुरा घोंपने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। तो डिपार्टमेंट बहुत बुरा है, इतना बुरा है इनफैक्ट, सॉरी आज थोड़ा टाइम पास, कोई दिक्कत नहीं है टाइम पास, थोड़ा टाइम पास करने में हा? एक 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 दरोगा जी हैं, तो वो दुर्वा थाना के उस समय थाना इंचार्ज थे, अभी तो हमको लगता है साहेबगंज में होंगे या फिर हजारीबाग में होंगे कहीं पर। तो वो अनिल सर के ही पुराने स्टूडेंट थे, तो वो आपको जो बड़ा तालाब है रांची में देखे हैं ना, वहाँ पर उनका एक्सीडेंट हो गया, हाथ टूट गया रात में 11 बजे, रात को 11 बजे। वो रांची के थाना में आपको थाना इंचार्ज है, और उनको कोई उठा करके वहाँ से हॉस्पिटल पहुँचाने के लिए नहीं आ रहा था। पुलिस डिपार्टमेंट में रात में 11 बजे कोई हेल्प करने नहीं आ रहा था। अब सर को फ़ोन किए तो सर जा कर के हॉस्पिटल में भर्ती करवाए। तो डिपार्टमेंट बहुत ख़राब है, बट अच्छा अच्छा ही बुराई तो हर जगह कुछ ना कुछ है। हाँ, तो लोग ही से ना डिपार्टमेंट बनता है। डिपार्टमेंट में क्या अच्छा बोलेगा, हवा तो, हवा तो हर तरफ एक ही रहता है। हाँ, डीएसपी बन जाते हैं तो बहुत बढ़िया है, उसके बाद आपको बहुत प्रोटेक्शन है, कुछ होना नहीं है फिर, जो कीजिए। हाँ, दरोगा लोग जो हैं आपको सुपारी लेकर के मर्डर करते हैं। हाँ, दरोगा एसपी का मर्डर करने का हिम्मत थोड़े होगा, डीएसपी का मर्डर नहीं, अरे बाहर मतलब बाहर में इन जनरल किसी का, मान लीजिए हमको आपसे दुश्मनी है, वो दरोगा जी हैं या फिर नीलम जी दरोगा हैं, हम नीलम जी को 5 लाख रुपए दिए, बोले कि इसका काम तमाम कर दो आपका काम तमाम आप समझ जाइए खून कौन किया है। चलिए ठीक है, तो 16 का गुणज का इस्तेमाल होता था। अब चलिए, अब ये विशेषताएं आपको किस तरह से, आपको क्या क्या चीज मेंशन करना है, ये आपको समझ में आ गया, बहुत सारे पॉइंट हम लोग कर लिए, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं, ठीक है। इसी लाइन पे जाना है आपको, एक दो अलग से अलग कैटेगरी का पॉइंट ऐड करना है आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट ये जो फ्रेमवर्क है ये अच्छा मार्क्स लाने के लिए सफिशियंट है। हम आपको पूरा तो अब लिखवा नहीं रहे, जानते हैं आप लोग, ठीक है। हाँ, आपको नोट्स, हम नोट्स लाने वाले थे आज, हम वो लाना भूल गए जो आपको मेरे को देना है सॉफ्ट कॉपी, तो हम लौटेंगे तो हम स्कैन करके हम भेज देंगे हशीम जी को या उनको, वो आपके ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है। हम लोग अगले टॉपिक में अब आते हैं हिस्ट्री के, हिस्ट्री का जो दूसरा, हिस्ट्री का पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता। अब अगला जो टॉपिक है वो बोलता है आर्यंस की उत्पत्ति, ओरिजिन, ओरिजिन को क्या बोलेंगे, उत्पत्ति, आर्यंस की उत्पत्ति। उत्पत्ति, आर्यों की उत्पत्ति,
देखिए सबसे पहले आर्यों की उत्पत्ति। अब आर्य जब हम लोग बोलते हैं आर्य टर्म, जैसे हम लोग भारतीय बोलते हैं, भारतीय का मतलब जो भारत में रहने वाला है, झारखंडी बोलते हैं, पलामुआइट बोलते हैं हम लोग, जैसे हम पलामू के हैं, मतलब जो एंसेस्ट्रल होम है पलामू है, तो हम लोग पलामुआइट हैं। तो सिमिलरली अब यहाँ पर जो ये यहाँ पर जो हम लोग टर्म दे रहे हैं, नाम दे रहे हैं कि पलामू का इंसान है या फिर झारखंड का इंसान है या फिर भारत का इंसान है, वो किस बेसिस पे दे रहे हैं? ज्योग्राफिकल भौगोलिक बेसिस पर दे रहे हैं कि आपको उस एरिया के अंदर में जो रह रहा है, ज्योग्राफिकल एरिया में जो रह रहा है वो इंडियन है या तो झारखंडी है। अब तो आर्य हम किसको बोलेंगे, ठीक है? तो आर्य किस बेसिस पर आर्य टर्म आया? तो आर्य जो है एक रेस का कॉन्सेप्ट था। ये क्या था? रेस का कॉन्सेप्ट, रेस की अवधारणा थी ये आर्य जो शब्द है। अवधारणा में यही ना होगा कि सिंपल वाला ना होगा, ठीक है ना? रेस की अवधारणा थी, ठीक है? रेस मतलब प्रजाति की अवधारणा थी। अब ये अवधारणा देश की अवधारणा भी, देश क्या भारत देश शुरू से भारत देश का अस्तित्व रहा है? भारत देश का अस्तित्व हम लोग बेसिकली बोले तो अंग्रेजों के आने के बाद हुआ है, जब अंग्रेज पूरे भारत को अपने कब्जे में ले आए, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, ठीक है? जो प्रिंसली स्टेट्स थे वहाँ पर इनडायरेक्ट कंट्रोल था। जो प्रिंसली स्टेट्स को आप लोग हिंदी में क्या बोलेंगे? देसी रियासत पे इनडायरेक्ट कंट्रोल था। और जो यहाँ जो और बाकी जो भारत था रेस्ट ऑफ इंडिया, उस पर डायरेक्ट कंट्रोल था, मतलब डायरेक्टली अंग्रेज के कलेक्टर साहब राज करते थे बाकी क्षेत्र पे। किस बारे में बोल रहे थे? नहीं, रेस के बारे में बोलते हैं। हाँ, भारत का अस्तित्व। हाँ, भारत का, तो भारत एक कॉन्सेप्ट, भारत भी एक कॉन्सेप्ट है जिसको रियलाइज कौन करवाए? अंग्रेज लोग करवाए बेसिकली वो, क्योंकि उससे पहले तो हर क्षेत्र का अलग राजा होता था, हर क्षेत्र का अपना अलग अस्तित्व होता था, मतलब फीलिंग्स भी अलग होते थे कि हाँ हम बंगाल, मतलब जो भी वहाँ का राजघराना हो, हम पाल राजघराने के निवासी हैं, मतलब उस क्षेत्र के, या फिर मुगल क्षेत्र के अंदर में रह रहे हैं, या फिर विजयनगर एम्पायर के अंदर में रह रहे हैं, भारत के अंदर में रह रहे हैं, ये फीलिंग नहीं, क्योंकि भारत की का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। भारत का कॉन्सेप्ट आया अंग्रेज लोग के आने के बाद, ठीक है? तो सिमिलरली रेस का कॉन्सेप्ट भी लाया गया। और रेस का कॉन्सेप्ट क्यों लाया गया? तो रेस का कॉन्सेप्ट बेसिकली 18वीं और 19वीं शताब्दी में जब यूरोप के लोग अफ्रीका और एशिया पर राज कर रहे थे, मतलब अपना राज का विस्तार कर रहे थे, बढ़ा रहे थे अपने पावर को, तो उनको जस्टिफाई करना था, जैसे वो भारत पे रूल करने आ रहे हैं, भारत के लोगों पर रूल करने आ रहे हैं। तो वो लोग, देखिए वो लोग लठैत नहीं थे, पहली बात। अब आज के समय में के लोग लठैत होते हैं, सिर्फ लाठी के दम पे राज करना, वो लोग का कॉन्सेप्ट वो नहीं था। वो लोग अपने आप को प्रूव करना चाहते थे कि हाँ नहीं, हम, हमारा अधिकार है, हमारा कर्तव्य है। वाइट मैन्स बर्डन कॉन्सेप्ट भी आपको था कि हमारा बर्डन है आपको सिविलाइज करना, आपको एक सुशासन प्रोवाइड करवाना, ठीक है? तो अब वो उनका बर्डन है, ठीक है? ये उनका कॉन्सेप्ट था, हम लोग को वो देते थे, मतलब भारत के निवासी लोग को बोलते थे कि हम तुम पर एहसान कर रहे हैं, तुम पर राज करके, तुम खुद लायक नहीं हो अपने ऊपर राज करने के लिए। और ये सब चीज़ को प्रमोट करने के लिए आर्यन रेस का कॉन्सेप्ट लाया गया कि आर्य जो हैं सुपीरियर हैं, और वो अफ्रीका और एशिया के लोगों पर राज कर सकते हैं, ठीक है? इस तरह का आपको, अब आर्य रेस का जो कॉन्सेप्ट है, आर्य प्रजाति का जो कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है, इस कारण से बेसिकली लाया गया। अब लेकिन अवधारणा
का बेसिस क्या था, किस बेसिस पर आर्य आप आर्य प्रजाति के हैं वो बताया गया। तो इसका बेसिस क्या था, आधार क्या था, दो आधार था, पहला एथनिक एंड हम हिंदी में भी लिख देंगे कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स, दूसरा फिजिकल शारीरिक एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। रेस 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 का विभाजन इन दो आधार पर होता है, पहला बोल रहा है एथनिक और कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक, दूसरा बोल रहा है फिजिकल एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक। एथनिक मतलब नृजातीय, अभी कल रात में हमको पता चला कि मेरा मोस्ट ऑफ 20,000 से 40,000 रुपए का नुकसान हो गया। हम हीरो बनकर के इसको स्कूटी के डिक्की में डाल लेते थे और ले आते थे, यूजेबल है अभी भी, कोई दिक्कत नहीं है, बट टूट गया। हम इसको आज तक मेरे से ये 3 साल से है मेरे पास, ये एक बार गिरा नहीं था, एक बार मेरे से ड्रॉप नहीं हुआ था, और हम ज़्यादा मतलब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इस पे ज़्यादा बढ़ गया था कि टूटेगा नहीं। देखिए अब आपको यूरोप ईस्टर्न सेंट्रल ईस्टर्न यूरोप और जो सेंट्रल एशिया, मतलब जो मोस्ट एक्सेप्टेड जो व्यू है ईस्टर्न यूरोप सेंट्रल एशिया इस क्षेत्र से आए थे, मोस्ट एक्सेप्टेड व्यू है, लेकिन बहुत सारा अलग अलग व्यू है और उसी पर हम लोग पूरा आंसर करेंगे। 40 नंबर वही लिखना है, ओरिजिन उत्पत्ति कहाँ से आए थे, सवाल ही वही है ना, तो हम लोग को जवाब भी वही देना है। हम तो पहले आपको ये बता रहे हैं कि आप जैसे आर्यन रेस आप बोल रहे हैं, तो रेस टर्म को आप थोड़ा सा डिस्क्राइब कीजिएगा ना, या फिर एटलीस्ट जानिएगा उसको आप जिस भी हिसाब से यूज कीजिए आंसर में। एथनिक मतलब जातीय तथा सांस्कृतिक विशेषताएं, नहीं विशेषताएं नहीं कैरेक्टरिस्टिक, लक्षण लक्षण जातीय तथा सांस्कृतिक लक्षण के आधार पर, ठीक है। दूसरा फिजिकल को क्या बोलेंगे, शारीरिक, अरे फिजिकल मतलब ये शरीर वाला, नाक सर कान बाल, भौतिक नहीं शारीरिक, शारीरिक तथा अन्य लक्षण, ये दोनों के आधार पर। देखिए जैसे आपको हम लोग ऑस्ट्रोलॉयड में पढ़े थे ना, क्या क्या पढ़े थे, एक तो कोर्स नोज पढ़े थे और थिक लिप्स पढ़े थे, उसके अलावा मेडिटेरेनियन वाला याद है, वो मध्य सागरीय वाला लंबा सर लॉन्ग हेड, अलग अलग फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है ना, तो एक वो भी बेसिस होता है, और दूसरा आपका कल्चर किस प्रकार का है, कल्चरली इस आधार, ये दोनों बेसिस पर रेस का क्लासिफिकेशन होता था, ठीक है, क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन। अब देखिए आज के समय में क्या है, आज के समय में दो तरह का व्यू है, जो राइट विंग वाले लोग हैं, राइट विंग वाले मतलब समझ रहे हैं ना, राइट विंग दो, हम लोग पॉलिटिकल व्यू दो व्यू बोल, दो एंड है, एक राइट विंग और एक लेफ्ट विंग, और बीच में एक सेंट्रल सेंटर भी है। तो राइट विंग में आ गया आपका बीजेपी, हाँ नहीं पक्ष विपक्ष का यहाँ बात नहीं हो रहा है, राइट विंग आइडियोलॉजी के बेसिस पर यहाँ पर होता है। देखिए राइट विंग जो आपको, नहीं नहीं रूढ़िवादी की बात नहीं है, राइट इधर है तो इधर ही करते हैं, राइट विंग लेफ्ट विंग और ये सेंटर। इंडिया में अगर आइडेंटिफाई अगर हम लोग करेंगे तो राइट विंग वाली पार्टीज जैसे बीजेपी, ठीक है,
राइट विंग वाली पार्टी, लेफ्ट विंग वाली पार्टी है जैसे सीपीआई, सीपीएम कम्युनिस्ट पार्टी है ना, और जो सेंटर पोजीशन वाली पार्टी है वो है कांग्रेस। यहाँ पर आपको हम पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के बेसिस पर ये डिवीजन होता है। राइट विंग में जैसे प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी को ये लोग सपोर्ट करते हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी के कॉन्सेप्ट को ये लोग सपोर्ट करते हैं, बोलते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी होना चाहिए। लेफ्ट विंग वाले क्या बोलते हैं? प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए, प्राइवेट होल्डिंग नहीं होना चाहिए, कम्युनिटी का मतलब वो कलेक्टिव होल्डिंग होना चाहिए, या तो पब्लिक होल्डिंग हो या तो कलेक्टिव होल्डिंग हो। प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट वो लोग नहीं मानते हैं। हाँ, जो सोशलिस्टिक आइडियोलॉजी उसी से रिलेटेड है, लेकिन बहुत वो इतना आसान चीज़ नहीं है, ठीक है। और ये कांग्रेस जो है बीच वाला है। कांग्रेस में क्या था कि कांग्रेस में लेफ्ट विंग वाले भी नेता थे, राइट विंग वाले भी नेता थे, और दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते थे, तो उसको सेंटर वाली पार्टी बोला जाता था। तो राइट विंग वाले क्या बोलते हैं कि रेस का कॉन्सेप्ट सही है, लेफ्ट विंग वाले बोलते हैं कि रेस का कॉन्सेप्ट सही नहीं है। बोलते हैं कि रेस का कॉन्सेप्ट, लेफ्ट विंग वाले क्या बोलते हैं कि रेस का कॉन्सेप्ट सही नहीं है, रेस का कॉन्सेप्ट जो है वो अनसाइंटिफिक है, जो कॉन्सेप्ट होना चाहिए वो लैंग्वेज फैमिली का होना चाहिए। आर्यन, आर्य जो है वो रेस नहीं है, आर्य क्या है? एक भाषा परिवार है। मतलब आर्य वैसे समूह के लोगों को बोला जाता है जिनकी भाषा की उत्पत्ति एक समान एक एक कॉमन भाषा से हुई है, और उस भाषा का नाम है इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली, ठीक है। तो आज के समय में आगे यहां लिखिए, आगे आज के समय में रेस प्रजाति के कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट मतलब अवधारणा, प्रजाति की अवधारणा को गलत, प्रजाति की अवधारणा को गलत माना जाता है। मैक्सिमम जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं वो अब रेस का कॉन्सेप्ट को सही नहीं मानते हैं, मैक्सिमम। कुछ लोग आपको, वही आपको इसीलिए बता दिए, कुछ लोग आपको मानेंगे। देखिए, जो मैक्सिमम जो पढ़े लिखे लोग हैं वो लेफ्ट के तरफ इंक्लाइंड है, लेफ्ट विंग की तरफ इंक्लाइंड है। पढ़े लिखे हम ये नहीं बोल रहे हैं कि वो लोग लेफ्ट मतलब वो लोग माओवादी और ये सब एक्टिविटी करते हैं, जो आइडियोलॉजी है वो उसके तरफ वो लोग ज़्यादा इंक्लाइंड होते हैं, मैक्सिमम, सारे नहीं। और कोई गलत और सही का बात नहीं है यहाँ पर, तो मानने की बात है अपने। तो मैक्सिमम एंथ्रोपोलॉजिस्ट आज के समय में रेस की अवधारणा को गलत मानते हैं। आज के समय में आर्य को एक लिंग्विस्टिक ग्रुप ऑफ पीपल, लिंग्विस्टिक ग्रुप, लिंग्विस्टिक लोगों की भाषाई समूह, लोगों की एक भाषाई समूह, के रूप में देखा जाता है, लोगों की एक भाषाई समूह के रूप में देखा जाता है, जो इंडो यूरोपियन, इंडो यूरोपियन भाषा का प्रयोग करते थे, जो इंडो यूरोपियन भाषा का प्रयोग करते थे, इंडो यूरोपियन, इंडो यूरोपियन भाषा, इंडो यूरोपियन भाषा का प्रयोग करते थे, जिससे आगे चलकर, जिससे आगे चलकर संस्कृत अंग्रेजी
लैटिन लैटिन ग्रीक इत्यादि की उत्पत्ति हुई। ठीक है, तो अब ठीक है, हम फिर से आपको बताए शॉर्ट में, आर्य जो है रेस का कॉन्सेप्ट था शुरू में, और रेस क्यों रेस का कॉन्सेप्ट लाया गया, उसका कोलोनाइजेशन वाला जो प्रोसेस था उसको इजी बनाने के लिए, उसको आसान। कोलोनाइजेशन को क्या बोलेंगे हिंदी में? हाँ, उपनिवेशवाद, और जो बाकी जो साम्राज्यवाद, ये वाला जो कॉन्सेप्ट, ये वाला जो प्रोसेस था उसको आसान बनाने के लिए, उसको जस्टिफाई करने के लिए रेस का कॉन्सेप्ट लाया गया। और रेस का कॉन्सेप्ट किस बेसिस पे लाया गया? दो बेसिस, कल्चरल और फिजिकल। एक कल्चरल बेसिस था, कल्चर देख करके रेस डिसाइड किया जाता था, और एक शारीरिक लक्षण देख करके रेस डिसाइड किया जाता था। आज के समय में मैक्सिम एंथ्रोपोलॉजिस्ट रेस के कॉन्सेप्ट को गलत मानते हैं। आज के समय में आर्यंस को एक रेस नहीं मान करके भाषाई समूह माना जाता है। भाषाई समूह मतलब ऐसा एक समूह, लोगों का समूह जो कि एक समान भाषा बोलते थे, ठीक है? और वो समान भाषा क्या थी? इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। और वही जो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है, उसी भाषा से आज के समय में जो हम लोग अंग्रेजी देखते हैं, संस्कृत देखते हैं, हिंदी देखते हैं, जर्मन देखते हैं, समझ रहे हैं? वो जो यूरोप से इधर आगे आएगा ना, ईरान में जो ईरानी भाषा होगी, ईरान की भाषा को क्या बोलेंगे? पारसी? नहीं, ईरान की भाषा क्या है? पर्शियन लैंग्वेज बोलते हैं, पर्शियन लैंग्वेज हम लोग अंग्रेजी में तो बोलते हैं, पारसी बोलते होंगे आप लोग। हाँ, तो वो भी आपको वही इंडो यूरोपियन लैंग्वेज से आया है, ठीक है? अब आर्य टर्म समझ गए क्या है, आर्य का आप इंट्रोडक्शन दे दिए। उसके बाद फिर अब जो आर्यों की उत्पत्ति, अब इस टॉपिक पे आते हैं कि आर्यों की उत्पत्ति पे क्या बात है। तो ये जो डिबेट है, डिबेट मतलब समझ, बहस, और बहस किसके बीच में? स्कॉलर्स के बीच में, जो हिस्टोरियंस हैं उनके बीच में ये बहस है, ये ऑनगोइंग है, अभी भी चल रहा है। इस पे कोई सहमति नहीं है, कोई डेफिनेट आंसर इसका नहीं है कि हाँ इसी जगह से आर्यन आए थे, ठीक है? कुछ लोग इस बात को सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग उस बात को सपोर्ट करते हैं, ठीक है? अब क्या क्या व्यू है कि आर्यंस कहाँ से आए थे, आर्य की उत्पत्ति कहाँ हुई थी, अनेक विचार हैं इस पर। अब उन विचारों में कौन कौन सा जगह है? तिब्बत, अफगानिस्तान, मतलब कहने का मतलब है कुछ लोग बोलते हैं तिब्बत से आए थे आर्य, ठीक है? कुछ लोग बोलते हैं अफगानिस्तान से आए थे, कुछ लोग बोलते हैं ईरान से आए थे, कुछ लोग बोलते हैं एरल सी, एरल सी। एरल सी को हिंदी में क्या बोलते हैं? अराल सागर। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं कैस्पियन सी इसको, कुछ लोग बोले ब्लैक सी, ठीक है? हम बहुत सारा नाम लिख रहे हैं, ये हर नाम कोई ना कोई एक प्रोमिनेंट इंसान क्लेम किया है कि आर्य यहां से आए थे। आपको हर एक नाम लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? लेकिन जितना नाम आप डाल पाएगा ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। कुछ बोलते हैं आर्कटिक से आए थे, लिथुएनिया, लिथुएनिया देश है आपको यूरोप में, कुछ बोलते हैं आर्कटिक से आए थे, कुछ बोलते हैं कॉकस, आपको जॉर्जिया, ये जो यूक्रेन है ना, यूक्रेन और बगल के बगल में कॉकस माउंटेन है, हाँ, तो वह कुछ बोलते हैं कॉकस से आए थे,
कुछ बोले ब्लैक सी से आए थे, अच्छा ब्लैक सी तो कर चुके हैं सॉरी, कुछ बोलते हैं यूरल माउंटेन, कुछ बोलते हैं वोल्गा माउंटेन, कोई बोलते हैं दक्षिणी रूस, सदर्न रशिया, कुछ का कहना है सेंट्रल एशियन स्टेपीज, सेंट्रल एशिया के घास के मैदान। स्टेपीज को आप लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? स्टेपी ही बोलते हैं ना। फिर वेस्ट एशिया, तुर्की, स्कैंडिनेविया। जब बहुत पैसा कमा लीजिएगा तो अपना बच्चा को भेज दीजिएगा स्कैंडिनेविया पढ़ने के लिए। हम मतलब रैंडमली नहीं बोल रहे हैं, स्कैंडिनेविया जो है बेस्ट प्लेस। स्कैंडिनेविया कौन कहाँ कौन से क्षेत्र को बोलते हैं पता है? हाँ, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, ये सारा जो देश है, और जो ह्यूमन इंडेक्स है ये सब में सबसे ऊपर यही स्कैंडिनेवियन देश सबसे अच्छे हैं लिविंग लाइफ के लिए। और यहाँ का जो बच्चों का भी मतलब यहाँ पर जो पढ़ाने का जो मेथडोलॉजी है ना वो भी हम लोग के तरह का नहीं है। ये लोग पूरा आइडेंटिफाई करते हैं बच्चों का स्ट्रेंथ वीकनेस शुरू से ही साइंटिफिक बेसिस पर, और जिधर वो लोग इंक्लिनेशन शो करते हैं उस तरफ उन लोग को प्रमोट करते हैं। कुछ बोले फिनलैंड, स्वीडन, बाल्टिक सी, और आखिरी में कुछ बोलते हैं कि आर्यंस देसी लोग थे, भारत से ही थे। जल्दी लिखिए, नहीं लिखे अभी तक, मिटा देना। ठीक है, तो ये बहुत अलग अलग व्यू है आर्यंस के घर को लेकर के। फिर अब इनमें से जो कुछ व्यू है जो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर हम लोग लिखेंगे कि आर्यों के उत्पत्ति, आर्यों के उत्पत्ति को लेकर कुछ मते, मत बोल सकते हैं ना, कुछ मते, उस पर अब हम लोग उसको हाईलाइट करेंगे कि क्या मत है, क्या रीजन हो सकता है और क्या स्ट्रेंथ वीकनेस हो सकता है। ठीक है, आर्यों के उत्पत्ति को लेकर कुछ मत। पहला जो मत है वो है कि आर्यों का घर, आर्य कहां से आए थे? आर्कटिक क्षेत्र से आए थे। आर्कटिक क्षेत्र, आर्यों का ओरिजिनल होम कहां था? आर्कटिक में। ठीक है,
अब ये मत कौन दिए, ये मत बहुत ही इम्पोर्टेंट इंसान दिए, हाँ, ऐसे मोस्ट प्रोबेबली हम भी ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन वैसे मतलब वो लोग महान इंसान हैं, उन लोगों के नाम में एटलीस्ट हम लोग को रिस्पेक्ट जोड़ करके बोलना चाहिए। हम अगर ये आज के समय का लुच्चा नेता आ जाता है तो हम लोग इज्जत दे करके बात करते हैं, ये लोग तो महान इंसान थे। तो बाल गंगाधर तिलक जी आपको ये थ्योरी दिए थे, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, आंसर में जी मत लिखिएगा, ठीक है। आर्कटिक क्षेत्र आपको, देखिए आप ये ग्लोब देखिएगा, ठीक है, हम थोड़ा सा ज्यादा फ्लैट बना दिए हैं ग्लोब को, कोई दिक्कत नहीं उससे, वो तो समझ रहे हैं। यहाँ पर लगभग भारत है, फिर यहाँ पर ऐसे करते करते ये अफ्रीका है, ये यूरोप है यहाँ पर, फिर यहाँ पर ऐसे होते हुए कुछ इधर निकले हुए ऐसे होते हुए यहाँ पर ये एशिया है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पर साउथ अमेरिका है, ठीक है, यहाँ पर ग्रीनलैंड है। ये जो क्षेत्र है यहाँ पर जो देश है कौन सा देश है पता है? रशिया। और यहाँ पर फिर आपको वही स्कैंडिनेविया वाला जो हम लोग बात कर रहे थे, इधर आ जाएंगे ग्रीनलैंड आ जाएंगे, इसके भी नॉर्थ और उत्तर जब हम लोग चले जाएंगे तो 90 डिग्री नॉर्थ के आसपास, ठीक है, तो हम लोग को मिलेगा आर्कटिक रीजन। तो एग्जैक्टली 90 डिग्री नहीं, आपको 80 डिग्री से शुरू हो जाता होगा, 85 डिग्री नॉर्वे के लेफ्ट से ऊपर, लेफ्ट कैसे बोलेगा मैप में, ऊपर, सिर्फ नॉर्वे थोड़े, आपको तो ये पूरा जो क्षेत्र है ये क्षेत्र जो है इसको बोलते हैं आर्कटिक क्षेत्र। और ये वाला जो यहाँ पर जो नीचे, ये नॉर्थ पोल पे है, आपको यहाँ पर सूर्य का प्रकाश सबसे इनडायरेक्ट वे में मतलब स्लैंटेड पहुँचता है, तो ज़्यादा ऊष्मा पहुँचती नहीं है, तो बर्फ ही रहता है सालों भर, लेकिन बहुत ही अच्छा ऐसा आप लोग को ही पता है ना कि यहाँ पर 6 महीना दिन रहता है, 6 महीना रात रहता है, बचपन, हाँ ये नॉर्दर्न लाइट्स और एरा बोरियालिस वही इसी क्षेत्र में आपको दिखेगा। और ये वाला क्षेत्र है इसको बोलते हैं एंटार्क्टिका, एंटार्क्टिका साउथ पोल पे है, क्या हुआ, साउथ पोल पे है, ठीक है। पेंगुइन आर्कटिक में हाँ रहता है, हाँ हाँ एंटार्क्टिका में क्यों नहीं रहता होगा, अच्छा मतलब आप जानती हैं, अच्छा अच्छा नहीं तो हमको वैसे नहीं पता है, हम बायो मतलब ये एनिमल किंगडम और ये सब बहुत ज़्यादा हमको नहीं पता है, तो समझे। तो आर्कटिक क्षेत्र ये है, और बाल गंगाधर तिलक जी के हिसाब से आर्यन जो है यहाँ से घूमते 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 इतने लफंगे थे, ये देख रहे समझ रहे दूरी, यहाँ पहुँच गए, ठीक है, अब जो घूम रहा है वो लफंगा ही है ना। ये आप लोग ह्यूमर, हाँ आपको एग्जैक्टली वो आपको जो थ्योरी है डांडेकर जी का थ्योरी है, वो कजाकिस्तान आए सेंट्रल एशिया से, कजाकिस्तान की तरफ आए, कजाकिस्तान देश समझ रहे हैं सेंट्रल एशिया में है, कजाकिस्तान से आकर के फिर आपको अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में आए, फिर वहाँ से दो भागों में डिवाइड हो गए, एक ईरान की तरफ चला गया और एक भारत की तरफ आ गया, जो ईरान की तरफ चला गया वो अवेस्ता लिखा और जो भारत की तरफ आ गया वो ऋग्वेद लिखा, ऋग्वेद समझ रहे हैं ना, वेदा, आर्य आर्य आर्यों का ही क्रिएशन है ना वेद, तो थ्योरी उस तरह से है। अभी तो सब चीज आपको लिखवाएंगे, आपको ये मतलब सारा पॉइंट लिखवाएंगे। हाँ तो आर्कटिक क्षेत्र से आए,
अब क्यों ऐसा बोलते हैं कि वो इनका रीजन क्या था? तो इनका रीजन था कि ये बोले कि महाभारत में इस तरह के प्रमाण मिलते हैं, महाभारत समझ रहे हैं, महाभारत में इस तरह के प्रमाण मिलते हैं जिससे वो अपने इस थ्योरी को सपोर्ट दिए, ठीक है। लेकिन आर्कियोलॉजी, ये पॉइंट लिख लीजिए कि ये इनका बेसिस क्या था, एविडेंस फ्रॉम महाभारत। एविडेंस क्या था हम आपको एग्जैक्टली कोई मतलब नहीं है। एक तो है जो वो सेवन स्टार्स सप्तर्षि कौन तारा जो होता है ना, हाँ सप्तर्षि तारा, उसका लोकेशन वोकेशन को देख करके महाभारत में उसका लोकेशन का डिस्क्रिप्शन था और उसके लोकेशन के बेसिस पर बोले कि उस क्षेत्र से आए होंगे, ठीक है। तो ये इस तरह का एविडेंसेस का यूज़ किए थे, उतना हम लोग को डेप्थ में नहीं जाना है। हम आप बस आपने आंसर मेंशन कीजिएगा कि बाल गंगाधर तिलक जी महाभारत ग्रंथ से, महाकाव्य से, महाकाव्य आप लोग बोलेगा ना, हम लोग एपिक बोलते हैं, एपिक से एविडेंस लेकर के ये क्लेम किए कि वो आर्कटिक क्षेत्र से थे। परंतु आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी को क्या बोलेंगे, पुरातत्व, पुरातत्व तथा भाषाई, परंतु पुरातत्व तथा भाषाई अनुसंधान के आधार पर ऐसा आज के समय नहीं माना जाता है, ठीक है। ये थ्योरी बहुत अच्छा, मतलब आपको ये कौन दिया, क्यों बोले और आज के समय क्या उसको लेकर के। अब दूसरा, ये सब जो पॉइंट है ना, आपको हम इतना छोटा है बता रहे हैं ना, हम इसके लिए, हम इस पर्टिकुलर आंसर के लिए बोल रहे हैं। इतना हमको मतलब इतना जगह से हमको ढूंढ करके पढ़ना पड़ा है, रिसर्च पेपर होता है ना, रिसर्च पेपर, और एक नहीं, हम कम से कम 5 से 10 रिसर्च पेपर आज नहीं पिछले 1 साल 2 साल में पढ़ करके हम ये सारा पॉइंट आपको जुगाड़े हैं। ये सब कहीं नहीं मिलता है आपको, इतना छोटा में इतना आसानी से मिल जा रहा है, आपको लग रहा होगा कि क्या लिखा हुआ है, बहुत मुश्किल, मतलब आंसर, प्रॉपर आंसर इस पे मिलता नहीं है। फिर दूसरा जो थ्योरी है, मध्य एशिया, एशिया में ये लगेगा ना मात्रा, मध्य एशिया, अब ब्रैकेट में लिख दीजिए कजाकिस्तान, ये थ्योरी कौन दिए, ये थ्योरी दिए आर.एन. डांडेकर। थ्योरी क्या है कि आर्यंस का ओरिजिनल होमलैंड क्या था, सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया में एक देश है कजाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, इस तरह के देशों का नाम है वहां पर। ठीक है, ठीक है। और इनका थ्योरी बेसिकली क्या है कि डांडेकर जी क्या बोलते हैं कि आर्यंस कजाकिस्तान से चले, यहां से एक क्षेत्र है बाल्क, बाल्क पहुंचे, बाल्क एक क्षेत्र है, और डांडेकर जी अपना जो थ्योरी दिए थे उस समय रेस वाला ही थ्योरी था, लैंग्वेज फैमिली वाला थ्योरी नहीं था, पुराने इतिहासकार हैं, वो बोले कि बाल्क इस लोकेशन पे आर्यंस आर्य बने, आर्य आर्य कब बने, जब वो बाल्क पहुंचे, उनका जो थ्योरी है उस हिसाब से। बाल्क पहुंचने के बाद बाल्क से ये लोग दो भाग में बट गए, एक हिस्सा ईरान चला गया, दूसरा हिस्सा इंडिया आ गया। जो ईरान चला गया वो एक किताब लिखा जिसको बोलते हैं अवेस्ता, जिंद अवेस्ता भी बोलते हैं, अवेस्ता ही बोलते हैं, ठीक है। और जो भारत आ गया वो लोग क्या लिखे, वेद,
लगभग एक ही समय का दोनों धार्मिक ग्रंथ है। ये अवेस्था का नाम आपको वो एमसीक्यू में बहुत बार पूछता है। क्या पूछेगा बेसिकली, तो वेद के समकालीन का ग्रंथ कौन सा है, या तो अवेस्था का ओरिजिन देश का नाम दे देगा, इंडिया दे दिया, ईरान दे दिया, पाकिस्तान, चार नाम दे दिया इस तरह से अलग अलग, तो वो भी आप ध्यान में रख सकते हैं। हाँ, वहां पर दांडेकर जी, हम भी बोल रहे हैं। हाँ, उनका थ्योरी। हाँ देखिए, क्यों हम आपको बताए ना कि आप किसी बेसिस पर क्लासिफिकेशन करते हैं, वो उनको कोई कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स भी है, कल्चरल कैरेक्टर, वहां पर वो जाकर के कोई पर्टिकुलर टाइप का कल्चर एक्वायर किए होंगे, जिस कारण से अब डांडेकर जी बोल रहे हैं कि नहीं चलो अब ये कल्चरल वो एक्वायर यहाँ पर आकर के किया तो अब इसको हम लोग आर्य बोलेंगे। हाँ, उस तरह का बेसिस था, उतना हम लोग को उस पर दिमाग बहुत ज्यादा नहीं लगाना है, इतिहासकार आपको बनना है। कोई दिक्कत नहीं है, मतलब हम आप ऐसे बता रहे हैं कि आपको बस ये पॉइंट जाकर के वहां पर लिखना है फाइनली इन द एंड एग्जाम में। फिर तीसरा जो व्यू है, सवाल में कोई दिक्कत नहीं है, ये तो अच्छी बात है, सवाल आप पूछिएगा तो इंटरैक्टिंग क्लास ठीक लगता है, हम बस अकेले बकर बकर करते रहते हैं, आप लोग शांत रहते हैं तो ऑब्वियसली समानता है, जे आपको जेनेटिक भी आपको सिमिलैरिटी है, हम लोग हम आपको ये वाला आपको जो लास्ट आंसर में जो लिखवाए थे 40% M4 जीन्स ये सब का हम लिखवाए थे ना, कि जो यूरोप और यहाँ पर सेम पाया जाता है। ऊपर से लैंग्वेज फैमिली तो है ही। हम लोग भी आर्यन हैं। उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर हम लोग लैंग्वेज फैमिली का बात करेंगे तो पुराना वाला रेस का बात करेंगे जो अंग्रेज लोग यूज करते हैं, तो अंग्रेज लोग हम लोग को आर्य मानने को तैयार होते होंगे, हम लोग को तो इन्फीरियर रेस बोलते थे उस समय, आज जब लैंग्वेज फैमिली का कॉन्सेप्ट है तो हम लोग आर्य में आ जाएंगे, लेकिन वो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक और वाइट मैंस वाइट स्किन वाला जब आपको कॉन्सेप्ट आ जाएगा तो फिर हमारे लिए मुश्किल है। और देखिए, उस कॉन्सेप्ट को अलग अलग मोल्ड करके हर इंसान यूज करता था, हिटलर आर्य का कॉन्सेप्ट को यूज किया है, अपना जो पूरा प्रोपेगेंडा है वो आर्य रेस को सुपीरियर रेस बोलता था और बाकी को पिग्मी और ज्यूज ये लोग को मारते था ना हिटलर, और बोलता था कि आर्य ही सिर्फ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और ये सब वाला बात करता था, सिर्फ आर्य ही सबसे सुपीरियर है, तो उनको जब अपना आइडियोलॉजी बढ़ाना था तो उस समय वो आर्य का जो बाउंड्री है उसको अपने हिसाब से मोल्ड कर देता था, समझ रहे हैं मेरी बात को, तो बोलिए। नहीं, हम लोग को आर्यंस बोलना तो नहीं बोल रहे हैं, कौन बोल रहा है, हम लोग तो ऐसे भी, हम लोग देखिए हम लोग मिक्स्ड हैं, हम लोग के अंदर द्रविडियन कैरेक्टरिस्टिक भी होगा, अगर आप बात कीजिए तो इंडिजिनस यहाँ का जो पॉपुलेशन था उसके साथ इंटरमिंगलिंग तो नहीं हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, बाहर के लोग जो आए वो लोग यहाँ के लोगों के साथ आकर के मिक्स हो गए और साथ में रहने लगे, इंटरेक्शन ऑब्वियसली होगा ही, पॉपुलेशन आपको जो जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स है बाकी सारा चीज, तो आज के समय तो रेस का कॉन्सेप्ट तो गलत है, बोल तो रहे हैं। हाँ, भाषा परिवार के बेसिस पर आज आप बात कीजिएगा तो कुछ बात कर भी सकते हैं, हाँ अगर उस बेसिस से बात कीजिएगा तो हाँ हम लोग आ रहे हैं।